जैन दोस्तों, स्वागत है हमारी कानपुर डिफेंस एकेडमी पे। आज हम बात करने वाले हैं रेल भर्ती में आपको जो डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, क्या क्या ले जाने होते हैं। बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर सबने वीडियो डाल दिया है और आपने डॉक्यूमेंट का वीडियो नहीं डाला है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पास में हमारी भर्ती लगी हुई है वो लखनऊ जेडआरओ की भर्ती लगी हुई है, लखनऊ एआरओ की, जिसमें आपके कुल 13 जिले भाग लेने वाले हैं। तो उन 13 जिलों के बच्चों को क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, मैं आज उस पर बात करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट सूचना कि जो पहला डॉक्यूमेंट आपका होता है वो आपका एडमिट कार्ड होता है। बच्चा जूम करके दिखाना, ये आप जो एडमिट कार्ड आप देख रहे हैं, ये एडमिट कार्ड आपके पास होना बहुत ही कंपलसरी होता है। ये एडमिट कार्ड जब आप ऑनलाइन फॉर्म करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म होने के बाद जब आपका पूरा सबमिट हो जाता है तो पहला जो आपका निकलता है वो आपका एडमिट कार्ड ही निकलता है। अगर आपके पास भर्ती देखने गए हैं आप, तो मेन गेट में सबसे पहले चेक होगा आपका एडमिट कार्ड और दूसरा आपका चेक होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है, वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो कि आपके एडमिट कार्ड पे है। अगर आपके पास कुछ भी मिस्टेक है तो आप इसको पहले से ही सही करा लें, वरना आपको गेट पर ही बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके गेट पर ही चेकिंग की जाती है, वो आपका पहला एडमिट कार्ड होता है और दूसरा आपका आधार कार्ड होता है। इन दो डॉक्यूमेंट के बाद तीसरा जो सबसे पहले आपका चेक होगा वो आपका चेक होता है हाई स्कूल की मार्कशीट। अगर आपने जीडी और ट्रेडमैन में अप्लाई किया है तो सबसे पहले जो आपका चेक होगा वो हाई स्कूल का मार्कशीट चेक होगा। ओरिजिनल के साथ साथ आपको दो सेट फोटो कॉपी भी आपको ले जानी है। हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आप नहीं ले जाते हैं तो भी आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। जब आप रेस मार देंगे, रेस मारने के बाद तुरंत आपके जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे, अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाए। कुछ बच्चे अंदर पहुंच जाते हैं और फोटो कॉपी लेके चले गए, फिर वहां से घर पे फोन करेंगे, अरे पापा मेरे डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, मैं घर पे भूल आया हूँ। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, एक अच्छी सी फाइल बना लें और उस फाइल में अपने सारे डॉक्यूमेंट सजा लें और डॉक्यूमेंट साथ में लेके आपको जाना है। अगर आपने क्लर्क का या टेक्निकल का फॉर्म डाला है तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट ले जाना अनिवार्य है। इंटर की मार्कशीट आपको उसी में ले जानी है। अगर आपका टेक्निकल का फॉर्म है या आपका क्लर्क का फॉर्म है तो आप इसको ले जाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, आपकी तुरंत इसको भी चेक किया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका निवास प्रमाण पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ के निवासी हैं, किस जिले के निवासी हैं, आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो निवास प्रमाण पत्र से होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसको ले जाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ये दोनों जगह से बनता है। आप चाहिए तो उसको, सबसे मेन चीज क्या है कि आप स्टेट गवर्नमेंट कहीं ले जाइएगा, वही ज्यादा आपका मान होता है। फिर आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति में यहाँ आप ब्राह्मण हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबकी जाति प्रमाण पत्र लगती है। और जाति प्रमाण पत्र एक केंद्र का भी लगता है, आप केंद्र का भी बनवा लें, लेते जाएं, अगर वहां पे मांगा जाए तो आप उसको दे दें, नहीं मांगा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्य का आपको लेके जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये नहीं कि आपकी भर्ती लगी है 10 दिन पहले आपने बनवा लिया, आपका 2 से 3 महीने पुराना होना चाहिए। आप तत्काल का ये नहीं कि भर्ती के 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने बनवा लिया और वो नया लेके आप पहुंच गए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, भगा दिए जाओगे। अच्छे से याद रखना, आपका जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 2 से 3 महीने पुराना होना चाहिए। इसके बाद होता है एफिडेविट। एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तो आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना बता दें, जब आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो उसके साथ जो आपको प्रोफार्मा निकलता है उसी पे आपको बनवा लेना होता है। बाकी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कचहरी जाते हैं, 10 रुपए की स्टाम्प पेपर में बनवा लेते हैं। अब जो भर्ती अभी जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनमें हम बता दें कि ये जो सर्टिफिकेट आप ले जाइए, ले जाना है आपको, बनवा के बाहर से ले जाइए, वहां अंदर मान्य नहीं करते, अंदर वो खुद अपना निकाल के देते हैं, उसका जो चार्ज होता है वो लेते हैं। और साथ में जो फोटो होती है, कम से कम 20 फोटो आप ले जाते हैं तो वो फोटो भी मान्य नहीं की जाती, वहां अलग तरह से खींची जाती है और वो खींचने के बाद आपकी फोटो लगती है। लेकिन हो सकता है इस भर्ती में शायद आपका लग जाए, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग रूल रहते हैं, आप पहले से ही ले जाइए।
आप हलफनामा भी करा लीजिए 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, वो भी पूरा कंप्लीट करा लीजिएगा, और कम से कम 20 पासपोर्ट साइज की फोटो वो आपको अपनी तरफ से लेके जानी है। वहां आपके अगर अलग खींची जाएंगी तो वहीं पे अंदर ही खींची जाएंगी। चौथा जो इसके बाद जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र कई तरह के होते हैं। पहला आप स्कूल से बनवा सकते हैं, दूसरा आप प्रधान से बना सकते हैं, आप अगर किसी शहर पे रहते हैं तो आप पार्षद से बनवा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र आपके 3 जगह के होते हैं, आप तीनों बनवा लीजिए, स्कूल से भी बनवा लीजिए, पार्षद से भी बनवा लीजिए, अगर आप गांव में निवास करते हैं तो प्रधान से बनवा लीजिए, और चौथा जो रहेगा वो आपका होता है इंपॉर्टेंट पुलिस वेरिफिकेशन, जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपका मेन अनिवार्य होता है। इसके बाद है अविवाहित प्रमाण पत्र। ये अगर आप शहर से हैं तो आपका पार्षद बना के दे देगा, अगर आप गांव से निवास करते हैं तो आपको प्रधान बना के दे देगा। ये अविवाहित प्रमाण पत्र होता है अनमैरिड सर्टिफिकेट, इसको भी ले जाना आपका कंपल्सरी अनिवार्य है। ये क्षेत्र पंचायत जो प्रधान होते हैं वो आपका जाति प्रमाण पत्र भी बनवा के दे देते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी, वो भी आप बनवा के ले जाइए, अगर आपका मांगा जाता है तो आप लगाइए, नहीं मांगा जाता है तो उसको आप रखे दीजिए। ये देखिए स्कूल से बना हुआ सर्टिफिकेट है, स्कूल से बना हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आप इसको भी बनवा के रख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम होते हैं वहां भी आपका मांगा जाता है, अगर इसमें भी मांगा जाता है तो आप इसको लगा दीजिए। ये है आपका पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपका ऑनलाइन होता है, सबसे पहले आप इसको ऑनलाइन करके थाने में जमा करा दीजिएगा, 10 से 15 दिन का समय लगता है, आपका बन के आ जाता है। इसके बाद होता है नो रिस्क सर्टिफिकेट, इसमें आपको ऊपर अपना नेम, फादर्स नेम, सिग्नेचर, यहाँ पूरी डेट, ये आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एनसीसी होता है। आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है, अगर इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उनको लेके जरूर जाइए, फोटो भी क्लिक कर लीजिएगा, इन तीनों पे अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसको लेके जरूर जाइए, वहां पे लगाइए। पहले क्या होता था, एनसीसी वालों का पेपर नहीं होता था, लेकिन अब आपको नंबरों की छूट मिलती है। दूसरा एनसीसी के बाद आता है स्पोर्ट सर्टिफिकेट, अगर आप स्टेट लेवल के प्लेयर हैं या नेशनल लेवल के प्लेयर हैं या इंटरनेशनल के प्लेयर हैं तो आप स्पोर्ट का सर्टिफिकेट ले जाइए, उस सर्टिफिकेट को लगाइए, जिससे आपको नंबर पे छूट मिलेगी। बाकी कोई भी डाउट है आपको, आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।